हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे माँ पार्वती पैदा हुए थे और वहाँ पे उनकी शादी भी हुई थी। मैं बात कर रहा हूँ वन ऑफ द फेमस प्लेस ऑफ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट मानतलाई की। मानतलाई सुद महादेव से 7-8 किलोमीटर दूर है। सुद महादेव के बारे में आप दोस्तों पहले जानते ही होंगे कि ये जम्मू का काफ़ी प्रसिद्ध शिव मंदिर है। इस मंदिर के चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं जो इस प्लेस को काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देता है। यहाँ पे दोस्तों इंटरनेशनल योगा सेंटर भी बन रहा है जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अभी ये फिलहाल योगा सेंटर अंडर कंस्ट्रक्शन है, बनने के बाद ये भारत का सबसे बड़ा योगा सेंटर कहलाएगा। हम पहुँच चुके हैं दोस्तों मानतलाई में। मानतलाई का जो टोटल डिस्टेंस जम्मू से है वो लगभग 125 किलोमीटर का है। मानतलाई आने का सबसे बेहतर समय मार्च से लेकर मई तक और सितंबर से लेकर नवंबर तक का है। सर्दियों में यहाँ पे बर्फबारी भी होती है। अब हम दोस्तों पहुंच चुके हैं मंदिर परिसर में। यहाँ पे एक सरोवर है और सरोवर के बीच में एक कुंड भी है। इस मंदिर को अप्रणेश्वर मंदिर भी कहते हैं। बताया जाता है कि भगवान शिव ने माँ पार्वती से यहीं पर विवाह संपन्न किया था। कैलाश पर्वत से होते हुए महादेव की बारात यहीं पहुंची थी। इस सरोवर के बीच में जो आप कुंड देख रहे हैं ये वही कुंड है यहाँ पे महादेव और माँ पार्वती के फेरे हुए थे। फेरे होने के बाद यहाँ पे ये पानी उत्पन्न हुआ था जो बहुत ही पवित्र माना जाता है। दोस्तों इस मंदिर का नाम अपरनेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जब माँ पार्वती यहाँ पे तपस्या कर रहे थे उन्होंने तपस्या के कुछ दिनों के लिए ही भोजन और जल ग्रहण किया था। भोजन का त्याग करने के बाद वे पत्ते खाते थे और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने पत्ते खाना भी छोड़ दिया। तो पत्तों का दूसरा नाम जो होता है वो अपर्णा होता है। जब माँ पार्वती ने पत्ते खाना छोड़ दिया तो महादेव काफ़ी खुश हो गए थे, तो महादेव जी ने माँ पार्वती का नाम अपर्णा भी रख दिया। तो माँ अपर्णा के जो ईश्वर हुए महादेव, इसी से नाम पड़ा अपरनेश्वर। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर दोस्तों 3 प्रकार की मूर्तियाँ हैं। इनमें से जो एक मूर्ति है वो अकेले माँ पार्वती की है जो कि शादी के पहले की है। दूसरी मूर्ति शादी के बाद की है माँ पार्वती और महादेव जी की। और जो तीसरी मूर्ति है वो भगवान गणेश जी के साथ है, सब परिवार के साथ। दोस्तों यहाँ की एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जब भी आप शिव मंदिर में जाते हैं तो आप वहाँ पे एक ही नंदी पाते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 नंदी हैं। एक जो नंदी है वो यहाँ से शुरू से ही है और जो दूसरी नंदी है वो यहाँ पे 70 साल पहले खुदाई के दौरान मिले थे। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो दोस्तों ख़त्म करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय गौरी शंकर।